क्या आपने कभी जल्दबाजी में गर्म कॉफी या चाय पी है और इस प्रक्रिया में आपने अपनी जीभ को चलाया है? हमें यकीन है कि आपके साथ भी ऐसी सिचुएशन तो जरूर हुई होगी। जीभ का जलना एक बहुत ही सामान्य बात है और हम सभी इसका सामना करते हैं। हम सभी ने कभी न कभी एक कप गर्म चाय, कॉफी या सूप का भोजन करते समय अपनी जीभ को जलाया ही होगा और ये काफी दर्दनाक होता है। फिर तो इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप इस सिचुएशन से खुद को कैसे बचा सकते हैं। पर अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल AskiGuru को सब्सक्राइब करना ना भूले। हैव आइसक्रीम और प्लेस सम आइस। कुछ ठंडा लेने से या अपने जली हुई जीभ पर कुछ बर्फ रखने से आपको तुरंत राहत मिल पाएगी और सूजन कम होगी। ठंड जलते हुए जीभ को शांत करेगी और इसके होने वाले नुकसान से बचाएगी। ये आपके मुंह को हाइड्रेट और नर्म भी रखेगा। अपने मुंह में बर्फ का एक क्यूब डालें या कुछ आइसक्रीम लें और आराम करें, और आप ठंडे पानी भी पी सकते हैं। हनी। हनी में एंटी बैक्टीरियल और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है जो जलन को शांत करने में मदद कर सकते हैं। अपने मुंह में एक चम्मच शहद डालें और इसे निगलने से पहले थोड़ी देर उधर ही रहने दें। तत्काल राहत के लिए 2-3 बार दोहराए। लेकिन आपको 12 महीने से कम उम्र के बच्चों को शहद देने से बचाना चाहिए क्योंकि ये उनके लिए खतरनाक भी हो सकता है। योगर्ट। ये फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट एक जली हुई जीभ का इलाज करने के लिए सबसे अच्छा घरेलू उपाय है। इसमें सूदिंग और कूलिंग इफेक्ट दोनों प्रॉपर्टीज है। अपने जीभ जलने के तुरंत बाद एक चम्मच दही खाइए और एक चम्मच दही को निगलने से पहले कुछ मिनटों के लिए ये अपने जीभ पर रखें। शुगर। अपने जीभ पर चीनी स्प्रिंकल करें और इसे घुलने दें। एक बार जब चीनी आपके जीभ पर बैठ जाएगी तो दर्द अपने आप दूर हो जाएगा। शुगर रेमेडी भी आपको बूस्ट करेगा आपके बिगड़े हुए टेस्ट को रिस्टोर करने में। एलोवेरा। एलोवेरा एक प्रकार का होम रेमेडी है जो बहुत सारे बर्न्स और इंजरीज को ठीक कर देता है। एलोवेरा जेल को अपने जले हुए जीभ पर लगाएं और आपका पेन तुरंत ही गायब हो जाएगा। एलोवेरा जेल डैमेज सेल्स को सूद करता है और तुरंत दर्द से आपको छुटकारा भी दिलवाता है। मिंट। मिंट मेंथॉल के साथ पैक्ड रहता है जो आपके जलन के क्षेत्र को सुन कर सकता है और सूजन को कम कर सकता है। ये अपने एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज के लिए जाना जाता है जो इस क्षेत्र को और अधिक नुकसान से बचा सकता है। आप अपने जले पर टूथपेस्ट भी लगा सकते हैं। तो ये थी कुछ खास बातें जिसका ध्यान रखकर आप भी अपने जले हुए जीभ को नुकसान होने से बचा सकते हैं। तो अगर इससे जुड़ी आपके पास और भी कुछ जानकारी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।